अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी पुर्तगाल क्या ओपन हुआ, हमने पुर्तगाल में जाना। और मैं जब पूछता हूँ कि जी पुर्तगाल जाके क्या करना है आपने, वहाँ पे तो इतना काम नहीं है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि जी पुर्तगाल में ईजिली डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और सबसे फास्ट ट्रैक में पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। और जब मैं कहता हूँ पुर्तगाल क्लोज है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर, लाइक किसी यूरोपियन किसी अदर शेंजन कंट्रीज़ के अंदर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंट्री का वीज़ा ले लें, शेंजन के 26-27 कंट्रीज़ हैं। अगर एक भी वीज़ा आपके पास आता है, तो आप 26-27 कंट्रीज़ के अंदर और एडिशनल कुछ कंट्रीज़ मिलते हैं वहाँ पे, आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो। अगर अभी स्पेन का वीज़ा मिलता है, जर्मनी का वीज़ा मिलता है, इटली का वीज़ा मिलता है, तो वो सिर्फ जर्मनी इटली स्पेन का वीज़ा नहीं है, वो शेंजन वीज़ा है। बहुत सारे लोगों की अभी ये भी एक माइंड में चल रहा है कि शायद अभी कोरोना की सिचुएशन में सिर्फ एक सिंगल कंट्री का वीज़ा मिलेगा, नहीं, आपको शेंजन वीज़ा ही दिया जाएगा। और नंबर सेकंड ये कि आप उस शेंजन वीज़ा के ऊपर किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, लैंड कर सकते हो और वहाँ से वापस भी किसी कंट्री के अंदर आ सकते हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, लोग समझते हैं अगर जर्मनी का वीज़ा मिल गया तो पहले फ्रैंकफर्ट या फिर जर्मनी में जाना ज़रूरी है, देन ही हम किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये मैं अगेन बात कर रहा हूँ, और मेरे क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स ऑलरेडी होके आ चुके हैं, मैं उनकी बेस पे भी कह रहा हूँ, अगर तो आपको किसी भी शेंगेन स्टेट का वीज़ा मिल जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट उस कंट्री के अंदर जाना पड़ेगा, देन ही आप किसी दूसरे शेंगेन स्टेट में जा सकते हो। आप किसी भी शेंगेन स्टेट के अंदर लैंड कर सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चनिंग हो सकती है और हो सकता है कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे किए जाएँ, 25-30 यूरोस आई थिंक सो इतना होता है, तो वो पे करके आप जा सकते हो। अगर आपके पास जर्मनी का वीज़ा है, आप इटली उतर सकते हो, स्पेन उतर सकते हो, लिस्बन उतर सकते हो, लिस्बन क्योंकि कैपिटल है पुर्तगाल का, पुर्तगाल जा सकते हो। और इसी तरह आप किसी भी शेंगेन स्टेट से वापस आ सकते हो, एग्ज़िट की स्टैंप लगवा सकते हो किसी भी शेंगेन स्टेट से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर अभी पुर्तगाल और पोलैंड वगैरह क्लोज हैं, बंद हैं, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों मैंने हमेशा बात किया, आप जर्मनी में अप्लाई करो। जर्मनी इस टाइम बहुत ज़्यादा वीज़ा दे रहा है उन दोस्तों को जिन्होंने फाइजर वैक्सीन लगवाई है और जिनकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है एक दो कंट्रीज़ की बेशक हो, तो आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करें या किसी भी शेंगेन स्टेट का वीज़ा लेके आप बाय लैंड या बाय रोड या फिर बाय एयर पुर्तगाल जाके अपना वही काम कर सकते हो जो कि आपने पुर्तगाल का वीज़ा लेके जाए करना था। मैं एक चीज़ और बता दूँ, पुर्तगाल का डायरेक्ट वीज़ा लेना वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा टफ है पाकिस्तानियों के लिए। तो आप किसी दूसरी शेंगेन स्टेट का वीज़ा लें, वहाँ से फ्लाइट पकड़ें, लिस्बन उतरें, लिस्बन उतर के अपनी लीगल एंट्री शो कराएं। एक साल का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर आपको कार्ड मिल जाता है, टैक्स पे करना होता 250 यूरो के करीब होता है जो आपने टैक्स पे करना होता है पर मंथ के हिसाब से, और फिर आपका कार्ड बन जाता है। एक साल बाद आप कहीं भी अपने कंट्री में किसी भी कंट्री में आ जा सकते हो। तो ये चीज़ है पुर्तगाल में, लेकिन जॉब्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, काम नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में काम मिलता है, लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवा के दूसरे कंट्री में भी जाकर काम कर सकते हैं। तो गाइस अभी अगर आपने अप्लाई करना है तो शेंजन की किसी भी दूसरी स्टेट में करें। मेरी प्रेफरेंस के मुताबिक आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करें, स्पेन में करें, इटली में करें, स्विट्ज़रलैंड में करें। ये चार कंट्रीज़ हैं जो अच्छे हैं और वीज़ा भी दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस का एड्रेस और मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर।